जी, अब जो है वो हम लिस्ट को प्रिंट करेंगे, हमने इंसर्ट कर लिया और डाटा। तो आ जाते हैं हम वहाँ पे। सबसे पहले स्टेप जो है वो हमारे पास है कि हमने चेक करना है कि हमारी लिस्ट जो है वो एम्प्टी है कि नहीं है। तो हमारे पास एक कंडीशन आ गई, इफ इज एम्प्टी। अच्छा, कंडीशन ये है कि एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तो हमने उसके साथ नॉट लगा लिया। तो ये था हमारे पास स्टेप वन। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, एक टेम्पररी नोड बनाना है रेफरेंस। तो टेम्प इज इक्वल टू, और उसमें हमने हेड की वैल्यू को स्टोर करवा दिया, गेट हेड आ गया। स्टेप वन ए। ओके, उसके बाद हमारे पास आ गया नेक्स्ट स्टेप, हमने प्रिंट करना है डाटा को। सी आउट टेम्प का गेट डाटा किया, और हम तो स्पेस दे देते हैं, और साथ में हम इसको बंद कर दिया मैंने। और उसके बाद हमने क्या करना है, ये था हमारे पास स्टेप वन बी। और हमने क्या करना है, नेक्स्ट पे मूव करना है जब तक हमें लास्ट नोड, अनटिल द टेल इज फाउंड। तो हमने यहाँ पर कंडीशन लगा ली, जब तक के टेम्प जो है उसके गेट टेम्प बल्कि जब तक के नल नहीं हो जाता। और इसको आगे मूव करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ पे टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का गेट नेक्स्ट करवा दिया। ओके, इसको आगे मूव करवा दिया, और इधर आके ये ब्रैकेट बंद हो गए। सो ये हो गया स्टेप वन। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने डबली लिंक्ड लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ओके जी, डबली लिंक्ड लिस्ट हमने किया एड ऑन हेड। तो हमने इसमें सबसे पहले रखवा लिया 13, फिर ओबीजे लिंक्ड लिस्ट एड ऑन हेड, और इसमें आ गया 25, 26 कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया ओबीजे डबली लिंक्ड लिस्ट, और इसमें आ गया एड ऑन टेल, इसमें आ गया 46, 25 कर लेते, 25, 46, और ओबीजे लिंक्ड एड ऑन टेल पे हमारे पास आ गया 6। और उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसको लिस्ट को प्रिंट करवा दिया। चलें जी, अब हम इसको कॉपी कर रहे हैं, और हम जाके इसको इधर मैंने पेस्ट किया और इसको रन कर दिया। तो हमारे पास पहले हेड पे 13 आया था, उसके बाद हेड पे आ गया 25, फिर उसके बाद 46 आ गया, और फिर 6 आ गया, और ये हमने सारा कुछ प्रिंट करवा लिया।